हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री दिगंबर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दौसा। माई सेल्फ रीना जारवाल फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। टुडे आई डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ पोलर प्लॉट। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पोलर प्लॉट होता क्या है? सो जब भी किसी साइनोसॉइडल ट्रांसफर फंक्शन के लिए हम उसके मैग्नीट्यूड और फेज एंगल के बीच में कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं, डैट इज़ पोलर प्लॉट। इनकी बेसिक सी बात ये है कि मैग्नीट्यूड वर्सेस एंगल के बीच में जो ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, डैट इज़ पोलर प्लॉट। अब बात आती है कि जनरली साइनोसॉइडल ट्रांसफर फंक्शन होते क्या हैं। सो बेसिक सी बात है, हमारे पास कुछ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिए होते हैं जी ऑफ एस। जब उस एस की वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है जे ओमेगा के फॉर्मेट में, तो जनरली वो हो जाता है हमारे पास साइनोसॉइडल ट्रांसफ़र फंक्शन। तो साइनोसॉइडल ट्रांसफ़र फंक्शन में जो ओमेगा होता है उसकी वैल्यू ज़ीरो से इन्फिनिटी के बीच में वेरी करती है। तो बेसिक सी बात है, ओमेगा की जीरो से इन्फिनिटी के बीच में हम कुछ वैल्यूज़ रख कर हम उनके मैग्नीट्यूड और फेज़ एंगल कैलकुलेट करते हैं, एंड उस मैग्नीट्यूड और फेज एंगल के बिहाफ पर जो ग्राफ प्लॉट करेंगे, डैट इज़ पोलर प्लॉट। जनरली जो पोलर प्लॉट होता है वो किसी भी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के एनालिसिस के लिए, उसके डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अब बेसिक सी बात आती है कि मैग्नीट्यूड और फेज एंगल है क्या। तो जनरली फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई टर्म है ए प्लस आयोटा बी, मुझे इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, मोड ऑफ ए प्लस आयोटा बी। तो हम लोग लेंगे इसका, तो क्या करेंगे, यहाँ पर ए प्लस आयोटा बी है, मींस क्या है, कॉम्प्लेक्स सिग्नल है जिसमें रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन है। तो हम फर्स्ट रियल टर्म का स्क्वायर करेंगे प्लस इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर करेंगे और उसका ये रूट ले लेंगे। ये तो हुआ मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका। अब बात आती है कि अगर मुझे फेज़ एंगल निकालना है, तो फेज़ एंगल के लिए हम क्या करते हैं, फेज़ एंगल को जनरली फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है जनरली, या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो एंगल ऑफ जी जे ओमेगा। तो इसका एंगल जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, टेन इनवर्स इमेजिनरी टर्म बाय रियल टर्म। तो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ एंगल, फेज़ एंगल ऑफ द साइनोसॉइडल ट्रांसफ़र फंक्शन। सो इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड और फेज़ एंगल के फॉर्मूलेस कैलकुलेट करेंगे, देन उसमें ओमेगा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, जीरो से इन्फिनिटी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट डिफरेंट फेज कैलकुलेट करेंगे और उसी के बिहाफ पर हम कुछ प्लॉटिंग करेंगे, डैट इज़ पोलर प्लॉट। सो बेसिक सी बात है, इट इज़ अ प्लॉट ऑफ मैग्नीट्यूड वर्सेज फेज एंगल ऑफ साइनोसॉइडल ट्रांसफ़र फंक्शन, वेयर इन जी जे ओमेगा the omega is varies from 0 to infinity. So आगे बात करते हैं इसके प्रोसीजर की। प्रोसीजर को समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है कि g of s is equivalence to s over s plus 1. So सबसे पहली जो स्टेप होगी वो होगी कि राइट द ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। सो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्मेट में तो खुद ही है ये सिस्टम, तो हम एज इट इज़ सिस्टम को रिप्रेजेंट कर देंगे। स्टेप नंबर सेकेंड, डिटरमाइन द साइनोसॉइडल फॉर्म ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन। तो साइनोसॉइडल फॉर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एस की जगह पर जे ओमेगा पुट करेंगे। यहाँ पर जे एक इमेजिनरी टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो एस इज इक्वल्स टू जे ओमेगा पुट किया, सो जहाँ पर भी एस है वहाँ पर हमने जे ओमेगा पुट किया, तो टर्म आई जी ऑफ जे ओमेगा इज इक्वलेंस टू जे ओमेगा बाय जे ओमेगा प्लस वन। अब हम लोग इसके लिए मैग्नीट्यूड एंड एंगल कैलकुलेट करेंगे। मैग्नीट्यूड का मैं स्टार्टिंग में फॉर्मूला बता ही चुकी हूँ, सो बेसिक सी बात है उसके बिहाफ पर हम करेंगे। तो मैग्नीट्यूड इज इक्वलेंस टू मोड ऑफ जी जे ओमेगा इज इक्वलेंस टू, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा बाय रूट ओमेगा स्क्वायर प्लस वन। इसी तरीके से जब इसका एंगल निकालेंगे, तो जब हम इस टर्म का एंगल निकालेंगे तो क्या आएगा, एंगल ऑफ जी जे ओमेगा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ओमेगा बाय ज़ीरो माइनस टेन इनवर्स ओमेगा। बात सबको पता है कि इस
को हम जो रिप्रेजेंट करेंगे जनरली वो किस में होगा, 90 डिग्री में होगा. सो एंगल ऑफ जी जे ओमेगा इज इक्वलेंस टू फाई इज इक्वलेंस टू 90 डिग्री माइनस 10 इनवर्स ओमेगा. फाई यहाँ पर फेज एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो ये आ गए हमारे पास मैग्नीट्यूड और फेज एंगल. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं टेबल बनाने से पहले कुछ बता देती हूँ. हमें प्लॉटिंग करनी है तो क्वाड्रेंट की हेल्प से ही करेंगे. तो हमारे पास जनरली 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. मैं एंटी क्लॉकवाइज चलती हूँ पहले. जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 के बीच में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 के बीच में होगा, थर्ड होगा 180 से 270 के बीच में एंड फोर्थ होगा 270 से 360 के बीच में. इफ़ अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमारे पास किस तरीके से होगा क्लॉकवाइज में देख लीजिए आप लोग. वही 0 से 90 डिग्री ये क्वाड्रेंट होगा, माइनस 90 से माइनस के 180 दिस क्वाड्रेंट, माइनस के 180 माइनस के 270 दिस एंड माइनस के 270 से दिस. तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में तो ये पॉजिटिव एंगल्स के बेस पे रिप्रेजेंट हो रहे होंगे एंड क्लॉकवाइज में नेगेटिव एंगल्स के बीच में रिप्रेजेंट हो रहे होंगे. इन एंगल पोजीशंस के थ्रू हम लोगों को हमारा पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है. आगे बात करते हैं, हमारे पास मैग्नीट्यूड जनरली जो भी आया, क्या आया था हमारे पास मैग्नीट्यूड, ओमेगा बाय रूट ओमेगा स्क्वायर प्लस 1. एंड इसी तरीके से एंगल क्या आया था, 90 डिग्री माइनस 10 इनवर्स ओमेगा. सो ओमेगा की 0 से इन्फिनिटी के बीच में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे. उन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए यहाँ पर ओमेगा की डिफरेंट डिफरेंट, जैसे 0 लिया तो ओमेगा की वैल्यू मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले में 0 पुट करेंगे, इसी तरीके से एंगल के फॉर्मूले में भी ओमेगा की वैल्यू 0 पुट करेंगे और उनके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यूज़ डिटरमाइन होंगी उसको इस टेबल में मैंशन करते जाएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट सबसे पहले हमने ओमेगा की वैल्यू ली 0. ओमेगा की वैल्यू 0 लेने पर मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले में जब हमने पुट किया तो वैल्यू आई 0 एंड एंगल आया प्लस का 90 डिग्री. सिमिलरली जब हमने 0.1 लिया तो मैग्नीट्यूड आया 0.1 एंड एंगल आया 84.3 डिग्री. फिर हमने 0.3 लिया तो मैग्नीट्यूड आया हमारे पास 0.3 एंड एंगल आया 73 डिग्री. फिर 1 लिया, 1 के लिए मैग्नीट्यूड आया 0.71 एंड एंगल आया 45 डिग्री. इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड एंगल डिटरमाइन होंगे. लास्ट हमको रखना है इन्फिनिटी. इन्फिनिटी पे हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया 1 एंड एंगल कैलकुलेट किया 0 डिग्री. ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो ओमेगा की वैल्यू है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में ही वेरी करेगी. आगे बात करते हैं, स्केच करते हैं. अब स्केचिंग में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमें ओमेगा की वैल्यू वेरी कराकर स्केचिंग नहीं करनी है. हमें मैग्नीट्यूड लेना है पहले, मैग्नीट्यूड को असाइन करके वहाँ पर ओमेगा की वैल्यू असाइन करनी है कि उस मैग्नीट्यूड पे ओमेगा की कितनी वैल्यू थी एंड उस एंगल पे हमें बनाना है. सो बेसिक सी बात है, पहली थी हमारे पास मैग्नीट्यूड था 0, ओमेगा बराबर 0 पर किस एंगल पर, 90 डिग्री के एंगल पर. तो 90 डिग्री के एंगल पर ओमेगा बराबर 0 मैग्नीट्यूड था किस पोजीशन पे, ओमेगा बराबर 0 पर ही हमने ड्रॉ कर दिया. इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पॉइंट आउट कर देंगे. लास्ट आता है ओमेगा इजिकल्स टू इन्फिनिटी. तो मैग्नीट्यूड कितना था 1, तो 1 पर ओमेगा इजिकल्स टू इन्फिनिटी पर था और किस एंगल पर था, 0 डिग्री यानी कि ये. तो हमारे पास 0 से इन्फिनिटी के बीच में जिस जिस एंगल पर जिस जिस पॉइंट पर गुजरी है उन सबको हमें मिलाना है, कनेक्ट करना है. तो जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो हमारे जो क्वाड्रेंट मतलब जो प्लॉटिंग होगी वो क्या होगी, पोलर प्लॉटिंग होगी. और ये चीज़ मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, अगर आपके पास पॉजिटिव एंगल है तो एंटी क्लॉकवाइज होता है जनरली. तो मतलब कि 0 से 90 है तो ऑब्वियसली बात है ड्रॉ किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने ड्रॉ कर दिया, ये हमारा पोलर प्लॉट हो गया. आगे बात करते हैं एग्ज़ाम्पल नंबर सेकंड की. सो एग्ज़ाम्पल नंबर सेकंड लेते हैं. एग्ज़ाम्पल नंबर सेकंड लेने से पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग. क्वेश्चन है, स्केच द पोलर प्लॉट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफ़र फंक्शन, दैट इज जी ऑफ एस इज इक्वलेंस टू 1 अपॉन एस स्मॉल ब्रैकेट एस प्लस 1 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज.
सो सबसे पहले दिस इज स्टेप फर्स्ट हो गई ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की. सेकेंड स्टेप पुट द एस इज इक्वल्स टू जे ओमेगा. क्यों करना है ये? ताकि हम साइनोसॉइडल ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकें. तो जहाँ जहाँ एस है वहाँ क्या पुट किया है? जे ओमेगा. थर्ड स्टेप उसका मैग्नीट्यूड और फेज एंगल लेना है. सो ऑब्वियस सी बात है इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या होगा? 1/ω√1+ω² एंड इसका एंगल लेंगे तो -90 - tan-1 ω. अब ओमेगा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए मैग्नीट्यूड एंड एंगल कैलकुलेट करना है. सो कैलकुलेट करते हैं. ओमेगा इज इक्वल्स टू जब 0 है तो ओमेगा की वैल्यू 0 पुट करने पर हमारे पास मैग्नीट्यूड आया इन्फिनिटी एंड एंगल आया -90°. इसी तरीके से ओमेगा की वैल्यू जब हमने 1 पुट करी तो मैग्नीट्यूड आया 0.7 एंड एंगल आया -135°. फिर हमने पुट करी ओमेगा की वैल्यू 2 तो उस पर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट हुआ 0.22 एंड एंगल आया -153°. एक बार फिर बता रही हूँ ये ओमेगा की वैल्यू इस मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्मूले में पुट करनी है जो हम किसी भी ट्रांसफर फंक्शन की हेल्प से कैलकुलेट कर रहे हैं. फिर हमने 5 पुट किया तो इससे मैग्नीट्यूड हमारे पास आया 0.039 एंड एंगल आया -169. देन हमने इन्फिनिटी पुट किया तो मैग्नीट्यूड आया 0 एंड एंगल आया -180°. अब आप लोग देखो -90 से -180° के बीच में हमारे पास एंगल्स आ रहे हैं. तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारे ड्रॉ होगा, क्योंकि मैंने ये बताया था आप लोगों को, तो नेगेटिव में ये 0, ये -90, ये -180 एंड ये -270, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ होगा. क्लॉकवाइज जब चल रहे थे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है -90 से -180 के बीच में. तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब ये ड्रॉ होगा तो कैसे होगा वो हमें देखना है. तो देखते हैं, वही हमें मैग्नीट्यूड की वैल्यू लेके ओमेगा को असाइन करना है. सो हमारे पास जो भी मैग्नीट्यूड्स थे उनको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट ओमेगा असाइन करे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे. उसके बाद में 0 से लेके इन्फिनिटी पे लास्ट में उसको क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया. तो देखिए यहाँ पर पहली वैल्यू हमारे पास ये है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पर हमारे पास ये, ओमेगा 3 पे ये, इसी तरीके से 1 पर ये. मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट ओमेगास की वैल्यूज़ हमने ली थी उसके मैग्नीट्यूड के हिसाब से हम लोगों को ओमेगा को मेंशन करना है विद द डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स. सो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ होगा, ये तो हमें पता ही है. लास्ट में हमें स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के बीच में इसको मिला देना है. तो दिस इज़ द पोलर प्लॉट. अब बात करते हैं हम लोग थर्ड एग्जाम्पल की. थर्ड एग्जाम्पल में भी हमें क्या करना है? वही, हमें कुछ ट्रांसफ़र फंक्शन दिए हुए हैं तो स्टेप फर्स्ट इसको ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन की तरह लिखना है. सेकंड स्टेप इसको साइनोसॉइडल ट्रांसफ़र फंक्शन में कन्वर्ट करना है. तो उसके लिए क्या करेंगे? एस इज इक्वल्स टू जे ओमेगा पुट करना है. जब एस इक्वलेंट जे ओमेगा पुट करेंगे तो हमारे पास जी जे ओमेगा इज इक्वलेंस टू 1/(1+j ω)/(1+2j ω) आएगा. इसी के बिहाफ पर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है. सो मैग्नीट्यूड हमारे पास आ रहा है 1/√1+ω² √1+4ω² देन हम एंगल निकालेंगे तो एंगल होगा वही, एंगल ऑफ जी जे ओमेगा इज इक्वल्स टू -tan-1ω - tan-2ω. अब देखिए हमारे पास ओमेगा की हमने 0 से इन्फिनिटी के बीच में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ ले ली हैं, उसके लिए मैग्नीट्यूड और एंगल कैलकुलेट करना है. ओमेगा की वैल्यू जब 0 है तो मैग्नीट्यूड हमारे पास इस फॉर्मूले से 1 आया एंड इस फॉर्मूले से एंगल आया 0°. सिमिलरली जब हमारे पास ओमेगा की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू 1 पुट करने पर हमारे पास आया 0.32 मैग्नीट्यूड और एंगल हमारे पास इस फॉर्मूले में पुट करने पर आया -108°. इसी तरीके से ओमेगा की वैल्यू 2 पुट करने पर मैग्नीट्यूड आया 0.11 एंड एंगल आया -139.4°. फिर हमने 5 पुट किया, मैग्नीट्यूड आया 0.02 एंड एंगल आया -163°. देन इन्फिनिटी पुट किया तो एंगल आया -180° एंड मैग्नीट्यूड आया 0. ये इन फॉर्मूलाज में पुट करेंगे. ध्यान रखना 0 से इन्फिनिटी तक हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं.
अब बात करते हैं इसके पोलर प्लॉट की। अब अगर आपने देखा हो तो हमारे पास जो एंगल आ रहे हैं वो ज़ीरो से माइनस के 180 डिग्री आ रहे हैं, यानी कि ज़ीरो से माइनस के 180 डिग्री, यानी कि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि देखो ये ज़ीरो माइनस के 90 और माइनस के 180, तो सॉरी इस क्वाड्रेंट में भी आएगा हमारे पास और इस क्वाड्रेंट में भी आएगा, यानी इन दोनों क्वाड्रेंट में हमारी प्लॉटिंग होगी। सो बेसिक्स यहाँ में दिख ही रही है कि दोनों क्वाड्रेंट में प्लॉटिंग हो रही है, वही मैग्नीट्यूड की हेल्प से ओमेगा उसको वेरी ओमेगा की वैल्यू मेंशन करेंगे विद डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स एंड देन ज़ीरो से इन्फिनिटी के बीच में उसको कनेक्ट कर देंगे। जो भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं उन सब के बिहाफ पर हमने यहाँ पुट किया है एंड देन उसको मिला दिया है, तो हमारे पास इन दोनों क्वाड्रेंट में मिला के ये प्लॉटिंग हो रही है, दैट इज़ पोलर प्लॉट। आगे बात करते हैं टू कैलकुलेट गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन फ्रॉम पोलर प्लॉट। तो जनरली देखिए द स्टेबिलिटी ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम इज मेजर्ड फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज लाइक गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन, यानी कि किसी भी कंट्रोल सिस्टम की स्टेबिलिटी को मेज़र करने के लिए हमें कुछ क्वांटिटी का मेज़रमेंट करना होता है, दैट इज़ गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन। जनरली ये किसी भी अनस्टेबल सिस्टम को कंपनसेट करके, किसी भी नेटवर्क को कंपनसेट करके जनरली इन क्वांटिटीज को डिज़ाइन कर लेते हैं हम लोग, या सॉरी बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इन क्वांटिटीज़ के यूज़ के हेल्प से हम किसी भी नेटवर्क की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए ये स्टेबल सिस्टम के लिए रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है एंड ये अनस्टेबल सिस्टम के लिए रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है गेन मार्जिन। अब गेन मार्जिन क्या होता है हमारे पास, गेन मार्जिन को हम डीबी में कैलकुलेट करते हैं। जनरली इसका फॉर्मूला होता है 20 लॉग बेस 10 1 अपॉन मोड ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा इज इक्वलेंस टू माइनस 20 लॉग बेस एम डीबी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ गेन मार्जिन। सो यहाँ पर कुछ नोट डाउन चीज़ें करनी है हमें, जो नोट दिया हुआ है तो देखिए यहाँ पर टू कैलकुलेट ओमेगा पी, ओमेगा पी का मतलब है यहाँ पे फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी, वी टेक द फेज ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि जो भी हमारा फेज आएगा किसी भी ट्रांसफर फंक्शन को उसके इक्विवेलेंट किसको रखना है 180 मींस पाई रेडियन को। हमें जो मेन चीज़ ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि अगर हमारा प्लॉट इंटरसेक्ट कर रहा है नेगेटिव रियल एक्सिस पे देन गेन मार्जिन हमारा क्या होगा, ज़ीरो होगा। एंड अगर हमारा प्लॉट इंटरसेक्ट नहीं कर रहा नेगेटिव रियल एक्सिस पे तो गेन मार्जिन हमारा इन्फिनिटी होगा, और अगर हमारा प्लॉट एनक्लोज हो रहा है माइनस वन और जे जीरो पर, यानी कि एम ग्रेटर देन वन आ रहा है हमारे पास, तो हमारा जो गेन मार्जिन होगा वो नेगेटिव होगा और स्टेबल होगा। सो ये तीनों कंडीशन ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं, एक कंडीशन और जो मैं साइन करना भूल गई, वो कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास इंटरसेक्ट करता है प्लॉटिंग नेगेटिव रियल एक्सिस पे, नेगेटिव रियल एक्सिस एंड ओरिजिन, मतलब नेगेटिव रियल एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है बिटवीन ओरिजिन एंड माइनस वन प्लस जे जीरो, यानी कि एम लेस देन वन पर हमारा गेन मार्जिन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। आगे बात करते हैं फेज मार्जिन की। सो फेज मार्जिन इज इक्वलेंस टू 180 डिग्री प्लस एंगल ऑफ जी जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा। अगेन मैं बता रही हूँ, फेज मार्जिन इज इक्वलेंस टू 180 डिग्री प्लस एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा। सो दिस इज़ द फेज मार्जिन। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि पोलर प्लॉट को डिज़ाइन करने के लिए हमें किसी भी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को पहले साइनसॉइडल ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है, देन उसका मैग्नीट्यूड एंड एंगल कैलकुलेट करना पड़ता है, और उसी के बिहाफ पे हम पोलर प्लॉट की डिज़ाइनिंग करते हैं। सो ये है हमारा पोलर प्लॉट डिज़ाइनिंग। कुछ क्वांटिटीज़ हैं जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, डैट इज़ फेज मार्जिन और गेन मार्जिन। मैंने फिर बता रही हूँ, फेज मार्जिन है 180 डिग्री प्लस एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच जे ऑफ जे ओमेगा। सिमिलरली हमारे पास जो गेन मार्जिन है वो है
20 log base 10 1 अपॉन मोड ऑफ जी जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा। सो ये दो फॉर्मूले के थ्रू हम गेन मार्जिन और फेज मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो थैंक यू।